एक गोदावरी नदी है तो पंचवटी मंदिर में जाने से पहले लोग पहले यहाँ स्नान करते हैं तब मंदिर में जाते हैं। और कुंभ जो लगता है कुंभ भी इसी नदी के किनारे लगता है, गोदावरी नदी के किनारे। नमस्कार दोस्तों, ट्रेवलर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ घटी थी रामायण की खास घटनाएं। आज भी यहाँ वो कुटिया मौजूद है जहाँ सीता जी का हुआ था हरण। गोदावरी के प्रमुख तीर्थों में से एक है नासिक, और नासिक की महिमा बहुत मानी जाती है। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। भगवान राम ने यहीं पंचवटी में वनवास के कई साल बिताए थे, यहीं से सीता जी का हरण हुआ था। हर 12 साल के बाद में नासिक में कुंभ का पर्व होता है। नासिक और पंचवटी वास्तव में दोनों एक नगर हैं। गोदावरी दोनों के बीच से बहती है, दोनों ही तटों पर तीर्थों की भरमार है। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है नासिक। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बसा है पंचवटी, रामायण से जुड़ी एक बहुत खास जगह है। रावण ने देवी सीता का हरण पंचवटी से ही किया था। इस जगह को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचवटी नासिक का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। पंचवटी का नाम उन 5 बरगद के पेड़ों के कारण बना है जिनका सार देवी सीता से जुड़ा हुआ है। पंचवटी एक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व और समृद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी जगह जहाँ घटी थी रामायण काल की खास घटनाएं। नासिक जो है वो धर्म की नगरी है। यहाँ आपको जैसे ही आप पंचवटी के पास आएंगे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। इनको बोलते हैं गोदावरी माता। आप लोग यहाँ से 30 किलोमीटर जाओगे त्र्यंबकेश्वर, अपन 12 ज्योतिर्लिंग माना जाता है उसमें से 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग है। वो हिंदुस्तान में पहला ज्योतिर्लिंग है। कोई शिव जी का दर्शन करना, ज्योतिर्लिंग देखना, उनके ऊपर लिंग होता है, आपको वहाँ लिंग मिलेगा नहीं। आप अंगठी पहनते ऐसा खड्डा मिलेगा, उसके अंदर 3 भगवान मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्म हत्या, श्री हत्या, गौ हत्या, ये तीनों का पाप त्र्यंबकेश्वर में नष्ट हो गया। और राम जी ने अपने पिताजी का पिंडदान यहाँ किया है। ये जो मंदिर है ये 12 साल के बाद खुलता है। अच्छा मैडम, इसका कहानी सुनो। जैसे आपको साल में एक राशि आती है, 12 साल में 12 राशि आती है, फिर 13वां साल आता है। 13वां साल कैसे आएगा, 3 साल के बाद एक महीना बढ़ता अधिक मास। जब अधिक महीना आता उसमें सिंह भगवान और सूर्यदेव ये दोनों साथ में प्रवेश करते हैं, तब ये सीएस तो कुंभ मेला भरता है। अभी प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा है, 3 साल के बाद नासिक में कुंभ मेला है। जैसे आप लोग प्रयाग में जाते हैं गंगा यमुना सरस्वती, अभी अपन जाएंगे अरुणा वरुणा गोदावरी, ये उनकी छोटी बहन भागीरथी, ये मंदिर 12 साल में खुलता है। ये गोदावरी नदी है तो पंचवटी मंदिर में जाने से पहले लोग पहले यहाँ स्नान करते हैं तब मंदिर में जाते हैं। और कुंभ जो लगता है कुंभ भी इसी नदी के किनारे लगता है, गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा अपने आप वहाँ से 3.5 घंटे में पानी। ये राम घाट बोला जाता है, वो देखो हनुमान जी की मूर्ति, उसे कहते हैं दोन तोंडा मारुति। पंचवटी के नाम के पीछे एक खास कारण माना जाता है। इस जगह 5 वट के वृक्ष हैं जिनकी वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था।
इनमें से कुछ साल वो सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में रुके थे। पंचवटी दंडकारण्य जंगल का हिस्सा हुआ करता था उस वक्त। राम को मुनि भारद्वाज ने पंचवटी में रहने के लिए कहा था। इनको बोलते सीता गुफा, यहाँ सीता मैया को एक दिन एक रात राम भगवान ने रखा था। जब रावण की बहन का नाक काटा था, उनका भाई आया था खद्रुषण, 14,000 राक्षस लेके आया, तब जंगल था, तो राम संकट में गिरे। सीता मैया को कहाँ रखना, यहाँ रखा गया था। बाद में ढूंढेंगे कैसे, तो आपको 5 धड़ बताता, उसी के नाम से पंचवटी जाना गया। पंचवटी जिसका मतलब होता है पंच पेड़ों का बगीचा। जी हाँ, ये वही जगह है पंचवटी। यहाँ वो 5 पेड़ अभी भी हैं जहाँ भगवान राम कुटिया बनाकर रह रहे थे। इसी के पास है तपोवन जहाँ लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। यहाँ देखने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी। तो पहली है सीता गुफा। ये वो जगह है जहाँ से सीता मैया का हरण हुआ था और इस गुफा में राम सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसमें सीढ़ियाँ हैं जो शिवलिंग तक जाती हैं और ये नीचे अगर आप शिवलिंग तक जाएंगे तो एक बहुत छोटी सी गुफा है जिसमें आपको बहुत बैठ के नीचे उतरना पड़ेगा। और कहते हैं जिसको दमे की बीमारी है, जिसको सांस की प्रॉब्लम है, वो इस गुफा के अंदर ना आए। इन्हें कहते हैं दक्षिण वाहिनी गोदावरी। ये राम घाट है, आप देख रहे हैं गोदावरी में दिया जल रही है, दक्षिण वाहिनी गोदावरी, इन्हें कहते हैं राम घाट। यहाँ 3 नदी का संगम है। मैडम आधा शिव आधा पार्वती अर्धे नारेश्वर। इनका नाम है गोरे राम। इसके 10 मिनट में अपन जाएंगे काले राम। राम वनवास को निकले थे, गोरे भी नहीं थे अने काले भी नहीं थे, अपने जैसे सावला रंग के थे। भगवान जब आया था जंगल था, यहाँ भगवान ने पूजा पाठ किया। ये पंडित ने बनाया मंदिर, ये 200 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। अने पूरा लकड़ी का है। मूर्ति लाके स्थापना किया गोरे राम गोरे हनुमान जी। अच्छा। अब महाराष्ट्र में कोई मंदिर जाइए, पहला कछुआ मिलता है, बाद में भगवान मिलते, वो विष्णु का अवतार है। अभी आप त्र्यंबकेश्वर जाओगे, नहीं तो जाके आए बोले आप, नहीं नहीं अभी जाएंगे। वहाँ पे एक नाम है अंजनेरी पहाड़, वहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है और राम से बड़े हनुमान जी है। कभी लेडीज ने हनुमान जी को हाथ नहीं जोड़ना, आदमी लोग ऐसे करते, लेडीज ने हाथ पीछे बांध के उनके सामने झुकना है, वो ब्रह्मचारी है। ये दर्शन करके आइए, बाद में अपन जाएंगे काले राम। तो महाराष्ट्र में नासिक में ये है गोरे राम। तो यहाँ श्री राम जी की जो मूर्ति है वो बिल्कुल सफ़ेद बनाई गई है, उनको गोरा बनाया गया है। तपोवन। तपोवन वो जगह है जहाँ साधु महात्मा तप किया करते थे। यहाँ गोदावरी नदी और कपिल गंगा का संगम है। यहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे, इसीलिए ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। फिर हम चले कालाराम मंदिर की ओर। ये मंदिर पेशवाओं ने बनाया था। त्र्यंबक 450 साल पुराना मंदिर है। आप देखने जा रहे हैं 350 साल पुराना मंदिर। इनके अंदर 3 भगवान राम लक्ष्मण सीता, तीनों मूर्ति काली है। ये मंडप में जाओगे काले हनुमान, हनुमान कभी काला नहीं रहता है। हर मंगलवार शनिवार अपन उसको सिंदूर लगाते हैं। इस हनुमान जी को कभी सिंदूर लगता नहीं है। ये जो भगवान देखने जा रहे हैं आप, ये किसी ने बनाया नहीं और बनावट नहीं, आपने जो गोदावरी देखी उसी गोदावरी के अंदर प्रकट हुई मूर्ति है। महाराष्ट्र में बड़ा सिटी है पुणा, वहाँ रहते थे बाजीराव पेशवा, उनको भगवान गोदावरी के अंदर मिला, उनने यहाँ ला के स्थापना किया। ये मंदिर का काम 1778-1790 में पूरा मंदिर बन गया। बनाने को 12 साल लगा, पानी नहीं, सीमेंट नहीं, मट्टी नहीं और लकड़ी नहीं। 350 साल पहला बाजार में सीमेंट नहीं था, वैसा पत्थर खड़ा नहीं रहेगा। इनको क्या जॉइन किया, दूध का मलाई, पान को लगाते चूना और मीठा गुल, ये तीनों मिक्स किया, उनका बन गया केमिकल।
अरे पत्थरों को लगाया। वो जमाने में इनका खर्चा 23 लाख रुपया, अभी अपन 23 कोटी खर्चा करेंगे ऐसा मंदिर बनेगा नहीं। नासिक में जो कुंभ मेला होता है, ये साधु संतों की जगह चारों बाजू यहाँ एक आंकड़ा रहता है, जो नाथपंथी महाराज रहते ना उनकी जगह है। अब आपको ले जाएगा राम की कुटिया, यहाँ रावण भिक्षा मांगने को आया, जो सीता दान करने गई रावण उठा के लंका ले गया। वो असली सीता नहीं थी, वो मायावी सीता थी। उस दिन था बुधवार, इसके लिए लड़की को ससुराल ने बेचते बुधवार के दिन। देखो मैडम, ये लाइन में 10 खंभे, ऐसी 4 लाइन है। अब हनुमान चालीसा पढ़ते राम को मिलने जाओगे तो 14 सीढ़ी गिनना। भगवान ने 14 साल वनवास किया। अब भारत में किधर भी जाओ राम जी का मंदिर है, कहीं गए राम ऐसा मिलता है। देखो मैडम, भगवान वनवास के लिए निकले थे, पहले 12 साल चित्रकूट में रहे, नासिक आए थे दंडकारण्य में, यहाँ 4 महीना झोपड़ी बना के रहते। वो महीना अधिक मास यानी चतुर्मास पान पत्ती की झोपड़ी थी। अभी महात्मा लोग मंदिर बना रहे, यहाँ रावण आया था साधु का रूप लेके, यहाँ से सीता मैया को उठा के ले गया इधर से। उस दिन बुधवार राम जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध गोदावरी में किया, यहाँ साधु संतों को अन्नदान किया। किधर भी गया आदमी दान करता है, यहाँ लेडीज दान करती। क्यों करती? कि सीता माता ने दान किया, यहाँ लेडीज लोग का महत्व है। धार्मिक में आपको हर जगह मंदिर दिखेंगे, और बहुत सारे मंदिर हैं। कहीं शनिदेव का मंदिर है, कहीं प्रभु राम का है, कहीं हनुमान जी का है। तो यहाँ आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे हर जगह। यहाँ आपको रुकने के लिए बहुत सारी धर्मशाला भी मिल जाएंगी, जहाँ आप रुक सकते हैं। दोस्तों, पंचवटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। गोदावरी पूजनीय और पवित्र नदी मानी गई है। तो अगर आप भी नासिक का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को बिल्कुल लिस्ट में शामिल कर लीजिए। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं यहाँ आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट से नासिक लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई से पहुंचने के बाद वहां से रेल, बस या टैक्सी द्वारा आप नासिक आ सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो नासिक पहुंचने के लिए सभी बड़े शहरों से आपको वाहन मिल जाएंगे। बाई रोड आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। बाई ट्रेन अगर आप आना चाह रहे हैं तो नासिक पहुँचने के लिए आप मुंबई से नागपुर, कोलकाता, बिहार या उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली किसी भी ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।